स्टोन के लिए स्टोन दे रहा है सामने आओ सामने आ रहा है ये अपने आप जीरो कर दिया मैंने टच नहीं किया उसको नहीं वो ये से हो जाता है ये स्क्वायर से कम हो गया करें और राइटर की फाइल को ओपन करें। राइटर की फाइल को ओपन करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से ओपन करना सीखें। यहाँ पे आप तरीका पूछ सकते हैं कि राइटर की फाइल को कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं। चलिए ठीक है आज आप वीडियो को देखकर एक नए तरीके से फाइल को ओपन करना सीखें। सबसे पहले आप डेस्कटॉप पर ओपन ऑफिस लिखे फाइल अथवा उसके सिंबल को ढूंढना होगा जैसे कि सामने वीडियो में दिखाया गया है। अब ऐसे ही सिंबल अपने डेस्कटॉप पर ढूंढें और उस पर अपने माउस या टचपैड के द्वारा पॉइंटर को लेकर जाएं और वहां पर लेफ्ट बटन से एक साथ में दो बार क्लिक करें। फिर आपके सामने दिखाए जा रहे वीडियो की तरह एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर ओपन ऑफिस के बहुत से कंपोनेंट दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए उस पर एक बार लेफ्ट बटन से क्लिक करें जिससे कि आपकी ओपन ऑफिस राइटर की फाइल ओपन हो जाएगी। चलते रहे को रुकना है चलते रहे। आज की कक्षा में आप सब अंडो रेडो कट कॉपी पेस्ट और फाइंड एंड रिप्लेस के रिवीजन करेंगे। क्या आप आज हम कट कॉपी पेस्ट और फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में सीखेंगे? ये क्वेश्चन अगर आप इनसे पूछे तो ज्यादा सही रहेगा। क्लास ही अटेंड कर रहे हैं ना आप उनको बता रहे हो इनसे पूछो क्या क्या हम सीखेंगे। ठीक है कोई नहीं आगे हम सभी ने राइटर की फाइल को ओपन कर लिया है या नहीं? अगर नहीं तो वीडियो के मदद से ओपन करना सीखें। सामने दिए गए पैराग्राफ को टाइप करें और फिर एक एक करके बताए जा रहे ऑप्शन का रिविजन करें। सबसे पहले अंडू का अभ्यास करें। अभी जब आप क्लास ले रहे हैं ना पूरी क्लास जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी तरीके से आप क्लास ले रहे हो। अब यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करना है तो यहाँ पे क्या करोगे वीडियो को यहाँ पे रुकवाना है। वीडियो रुक जाएगा यहाँ पे फिर बच्चों को कहोगे जो पैराग्राफ सामने दिखाई दे रहा है उसको देख के टाइप करने के लिए उनको टाइप करवाना है। जब सब टाइप कर लेंगे तब जाकर आपको आगे वीडियो प्ले करना है कि आगे क्या क्या कराया जाएगा। आए समझ में? अब वापस से पीछे करें। हाँ पीछे करो। कर कॉपी और पीछे कर पेस्ट और दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए उस पर एक बार लेफ्ट बटन से क्लिक करें जिससे कि आपकी ओपन ऑफिस राइटर की फाइल ओपन हो जाएगी। आज की कक्षा में आप सब अंडू रेडो कट कॉपी पेस्ट और फाइंड एंड रिप्लेस के रिवीजन करेंगे। क्या आप सभी ने राइटर की फाइल को ओपन कर लिया है या नहीं? अगर नहीं तो वीडियो के मदद से ओपन करना सीखें। सामने दिए गए पैराग्राफ को टाइप करें और फिर एक लाइन टाइप कर दीजिए बस पूरा नहीं कराना। आप भी बैठ के एक लाइन टाइप कर लीजिए फिर आगे कर लेना।
सबने एक लाइन टाइप कर लिया, आगे क्लास के भाई आप ही करा रहे हैं ना। इसके अंदर क्या क्या चीज़ की प्रैक्टिस करने के बोला गया, अंडू रीडू इसी की प्रैक्टिस करें, कट कॉपी फाइंड रिप्लेस, ये चीज़ें आपको इनसे कराने हैं। जैसे जैसे वीडियो के अंदर कराया जाएगा आपको ये चीज़ें इनके द्वारा करवाना है, ठीक है। एक एक करके बताया जा रहा है, ऑप्शन का रिवीजन करें। सबसे पहले अंडू का अभ्यास करें। टाइपिंग बंद कर दीजिए, सामने एक क्लास लीजिए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। अगर कोई समस्या होती है तो आप सामने दिखाए जा रहे वीडियो को देखकर अंडू करना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अंडू का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपने इस पैराग्राफ को टाइप कर दिया। देखिए ये आपको पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आप मतलब बिना वीडियो को देखे प्रैक्टिस आप अंडू रीडू करा सकते हो, तो आप इनको कोई भी अलग से फॉर्मेटिंग करा के, जैसे उस टाइम बता रहा था कि आप इन पर बोल्ड करें, इटैली करें, कुछ भी करा के आप उस तरीके से आप अंडू रीडू की प्रैक्टिस करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पहले इसको वीडियो को दिखा देती हूँ, जैसे वीडियो के अंदर का है, वीडियो को दिखा के फिर उसके बाद मुझे प्रैक्टिस कराना है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। वो आपको पता है कि कैसे प्रैक्टिस आपको कराना है, ठीक है। अब आपको अंडू करना है तो आप मेनू बार के एडिट ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेकर आए और लेफ्ट बटन को क्लिक करें। उसके बाद सर आप बताइए अंडू करने के कितने तरीके अगर अगर किसी एक से आंसर नहीं आ रहा है तो आप किसी दूसरे से पूछ सकते हैं। आप क्लास लोगे, क्लास में भी आप ऐसे ही करोगे ना, अगर एक बच्चे ने आंसर नहीं किया इसका आगे आगे प्रे कर दोगे, वो आंसर सुनने के दूसरे बच्चों से आंसर निकलवाओगे ना। अगर इसने आंसर नहीं किया आप दूसरे जन से आंसर करो, अगर वो नहीं करता फिर तीसरे से आंसर करो, फिर लास्ट में क्या करना आपको, फिर जाकर वीडियो प्ले करना। तो देखिए सबसे लास्ट वाली लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी, यानी